हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैभव सिंह और आप देख रहे हैं हरीश जंक्शन। सब्सक्राइब कीजिएगा हरीश जंक्शन चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप सभी को सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैभव सिंह और आप देख रहे हैं हरीश जंक्शन। आज हम बात करेंगे कि मोनेटाइजेशन डिसेबल क्यों होता है, और मेरे पुराना जो वीडियो था उस पर जो कमेंट आया उसकी रिक्वेस्ट की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि भाई आप जो बोलते हो वो हमको समझ में नहीं आया है। तो मैं तभी नया यूट्यूबर था, मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि कैमरे के सामने बैठ के किस तरह से बातें करना है। तो अब मैंने थोड़ा बहुत अच्छे से सीख लिया है, तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपका पिछला वीडियो ट्रबल में रहा होगा तो उसके लिए मैं पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तो सॉरी उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें मोनेटाइजेशन जो डिसेबल हुआ है उसे इनेबल करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि ये मोनेटाइजेशन डिसेबल हमारे गलती की वजह से ही होता है। तो हमारी क्या गलती है पहले हम देखेंगे। हमारी पहली तो गलती है कि हमने हमारे ही सेम नाम पे दो एडसेंस अकाउंट बना लिए। मतलब हमारी क्या गलती हुई कि ऑलरेडी एक एडसेंस अकाउंट हमारे चैनल के साथ लिंक होते हुए हमने दूसरा एक नया एडसेंस अकाउंट बना लिया और उसे हमारे चैनल से लिंक करने की कोशिश की। इसकी वजह से यूट्यूब ने क्या कर दिया, गूगल एडसेंस ने क्या कर दिया कि मोनेटाइजेशन हमारा डिसेबल कर दिया, क्योंकि वो ट्रबल में आ गया ना कि कौन सा चैनल उसे लिंक करना है, वो खुद भी जान नहीं पा रहा है। तो हमें अभी उस पर सोल्यूशन क्या करना पड़ेगा, जो नया वाला एडसेंस अकाउंट बनाया है उसे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, जो पुराना लिंक है उसे रह देना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका पुराना एडसेंस अकाउंट उससे लिंक होता है तो नया वाला एडसेंस अकाउंट वेटिंग पे रहता है, लिंक होता ही नहीं है। आप खोल के देखिए, जो आपने नया एडसेंस अकाउंट बनाया है उसको लॉगिन करके देखिएगा, तो उसमें आपको दिखाएगा गेटिंग सेटिंग अप, यानी कि हम सेटिंग अप कर रहे हैं उसको, अभी आपका एडसेंस अकाउंट बना नहीं है, तैयार हुआ नहीं है, ऐसे उस पर लिख के आएगा। तो हमें क्या करना है, जो नया वाला एडसेंस अकाउंट बनाया है उसे डीएक्टिवेट करना है। मैं दोबारा इसको दोहराऊंगा, मतलब जो पहले हमने एडसेंस अकाउंट लिंक करके रखा है उसे वैसे ही रखना है, जो नया वाला बनाया है उसे डीएक्टिवेट करना है। अभी बहुत लोगों ने यह भी कमेंट किया कि सामने खड़े रह के या बैठ के बातें करने से अच्छा है आप कुछ डेमो दिखा दीजिएगा, तो मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसे डीएक्टिवेट करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे इसको डीएक्टिवेट करना है। एडसेंस अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको ये तीन लाइन जो दिख रहा है ब्लिंक होता है वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अकाउंट पर क्लिक करना है, जहाँ पर ब्लिंक हो रहा है देखिएगा, अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका अकाउंट इन्फॉर्मेशन खुलेगा, उसमें पब्लिशर आईडी और कैंसिल का बटन रहेगा, तो ये ओपन हो जाने दीजिएगा। ये हो गया ओपन। तो ओपन होने के बाद जो कैंसिल अकाउंट का बटन दिख रहा है जहाँ पे मैंने एरो करके ये दिखा रखा है, वहाँ पे क्लिक करके सबमिट करना है आपको, कंडीशन एक्सेप्ट करके सबमिट हो जाएगा डीएक्टिवेट।